आवश्यक है कि हम इन सभी को की साधना में कुछ रोज़ कुछ ना कुछ समय लगाएं, तभी यह संभव हो सकेगा। जब हम अपने समय का ठीक विभाजन कर लें, रोज़ उसका लेखा जोखा करते हैं, वस्तुतः जो समय की कद्र करना सीख गया वह सफलता का रहस्य समझ गया। हम अपने सुख अपनी समृद्धि के लिए अपना समय विभाजन जितना शीघ्र कर लें उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि किसी मनीषी ने यह चेतावनी पहले ही दे रखी है कि समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा में खड़ी नहीं रहती। वयस्कों की अपेक्षा विद्यार्थियों के लिए समय पालन का कई कारणों से अधिक महत्व है। विद्यार्थियों को एक लंबा जीवन जीना है और सफलता की ऊंची से ऊंची मंजिलें तय करनी है। दूसरी बात यह है कि विद्यार्थी जीवन में जो आदतें पड़ जाती हैं वे जीवन पर्यंत बनी रहती हैं। विद्यालय में छात्रों को समय तालिका दी जाती है, यानी कि उन्हें टाइम टेबल दिया जाता है, लेकिन वह केवल 5-6 घंटों के लिए होती है। 18 से 19 घंटे छात्रों के स्वयं विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रहते हैं। यदि वे इस समय का सही उपयोग करें तो न केवल परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे, बल्कि सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा खेल कूद व्यायाम आदि के लिए भी पर्याप्त समय निकाल सकेंगे। समय तालिका बनाने के बाद उसका दृढ़ता और निष्ठा के साथ पालन करना भी आवश्यक है। निर्धारित समय पर निश्चित काम करने से ही जीवन में सफलता मिलती है। तो इस पाठ का नाम था समय नियोजन। इस पाठ को लिखा है श्री समर बहादुर सिंह ने। इसके अंदर हमको यही बताया गया है कि जो भी हमारे पास जो हमारा समय होता है, जो हमें दिन भर में 24 घंटे मिलते हैं, उसको हमें एक सुनिश्चित ढंग से क्या करना चाहिए, नियोजित करना चाहिए समय को, है ना। क्योंकि जो भी हमारे ज़रूरी काम है, अगर हम ठीक तरह से समय को नियोजित कर लेते हैं तो हमें किसी भी काम के लिए बहाना नहीं बनाना पड़ेगा। जो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी काम है उनको हम क्या कर पाएंगे, एक सही तरीके से और सही समय देकर उनको क्या कर पाएंगे, पूरा कर पाएंगे। अगर ये पाठ आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।